audio jungle. क्या कभी आपने एक टॉपर बनने का सोचा है? क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपनी क्लास को, आप अपने स्कूल को या शहर को और पूरी की पूरी कंट्री को टॉप करना चाहते हो, और वो भी एजुकेशन की फील्ड में? और मुझे लगता है शायद जब तक मैंने बात की होगी आपके क्लास को टॉप करने की, आपके स्कूल को टॉप करने की, तो आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे शायद ये मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मैं सिटी की बात करता हूँ और कंट्री की बात करता हूँ, तो आपके मन में ज़रूर ख्याल आएगा कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। इट इज़ टू बिग फॉर मी, डोंट यू थिंक दैट? आपके मन में सीधा सीधा बस यही ख्याल आता है कि यार ये मेरे बस की नहीं है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, आप अपने आप को कम आंकते हो, आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट ही समझते हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में आप एक एवरेज स्टूडेंट ही हो? और अगर आप ऐसा सोचते हो तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की और हम सबकी लाइफ की। और प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ वी ऑलवेज टेक आवर सेल्फ फॉर ग्रांटेड। इट मीन्स हम अपने आप को शुरुआत से ही अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने आप को बांध के रखते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको याद नहीं है कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसा मोमेंट जिस टाइम पे आपने अपनी क्लास के अंदर या अपने स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए हों, या मैं कहूँ अपनी पूरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हों? क्या ऐसा कोई भी दिन और कोई भी मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं है? और अगर हम उस वक्त अपने लाइफ के अंदर, अपनी क्लास के अंदर एक अच्छे स्कोर को पा सके हैं, तो आज क्यों नहीं, उस मोमेंट को हम रिपीट क्यों नहीं कर सकते? और मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऐसी बात है जो शायद मुश्किल से ही आप लोगों को डाइजेस्ट होगी, और वो ये है कि हम अपनी लाइफ में टॉप करना चाहते हैं, हम हर एक चीज़ में आगे रहना चाहते हैं, और इसी तरीके से एजुकेशन में भी, अपनी पढ़ाई के अंदर भी हम सोचते हैं कि हम अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर करें और अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा प्राउड फील कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर हमारे को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक टीचर अपने सभी स्टूडेंट्स को इक्वली पढ़ाता है, वो सभी स्टूडेंट्स को एक तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन एट द एंड हमें भी ये बात पता है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करता। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम आखिर कहाँ आ रही है, कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? उस टाइम पे क्या डिफरेंस टीचर के टीचिंग में क्रिएट हो रहा है या हम लोगों की स्टडिंग में क्रिएट हो रहा है? हमें इस बात को जानना होगा, हमें इस बात को बारीकी से समझना होगा, शायद तभी हम अपनी लाइफ के अंदर वो सब कुछ पा सकेंगे जो हमें आज तक नहीं मिल पाया है। अगर एक टीचर दो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है और उस टाइम पे हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट से हर एक फील्ड के अंदर आगे है, तो उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसके लिए वो स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वो स्टूडेंट अपने उस क्लासमेट से आगे है, तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, और जो पीछे है उसके लिए भी वो पर्सन ही खुद रिस्पॉन्सिबल है, और इस बात को उन दोनों को ही समझना होगा। और अगर आप लोगों के माइंड में ये ख्याल आता है कि वो पर्सन ज़्यादा अच्छा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, तो आई वॉन्ट टू आस्क योर क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज कि क्या सच में इंटेलिजेंट जैसी कोई चीज होती है? इज देयर समवन हु इज बॉर्न इंटेलिजेंट? मेरा पर्सनली मानना यह है देयर इज नथिंग लाइक इंटेलिजेंस। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो दैट इज बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड हिज टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर वो इंटेलिजेंट है। तो हमारी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है हमारे उस टाइम पे, हमारे उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमने की है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसके अंदर हम इंटेलिजेंट हैं। आप इंटेलिजेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड में ही हो सकते हो। अगर एक डॉक्टर को एक इंजीनियर्स के ग्रुप में ले जाया जाए और उससे इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाए, तो शायद उस जगह पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट
पर्सनालिटी वही होगा और उसकी इंटेलिजेंस जो है वो उस टाइम पे किसी काम की नहीं है। और उसी तरह अगर किसी इंजीनियर से पूछा जाए कि मुझे इस एलिमेंट के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो शायद अगले दिन आप इस दुनिया में ना रहो। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियर आपको किसी मेडिसिन के बारे में नहीं बता सकता, वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर आपको बेस्ट सजेशन दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरी फील्ड के अंदर उसकी जो इंटेलिजेंस है वो किसी काम की नहीं है। और वो दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में अपने प्रीशियस टाइम को इन्वेस्ट किया है। अगर आप अपने घर पे पढ़ना स्टार्ट करते हो और उस टाइम पे आप नोटिस करते हो कि आपके पढ़ने के दौरान आपके माइंड में फालतू के थॉट्स आते हैं, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू वर्क हार्ड इन योर स्टडीज, लेकिन आपके माइंड में थॉट्स आते हैं लड़कियों के बारे में और आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि मैं इन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, तो आपको ये बात समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही काम करते हो और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से पढ़ने के टाइम पे भी आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वही थॉट्स आ रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका ज़्यादा से टाइम जिस चीज़ में इन्वेस्ट होगा आप उस चीज़ में इंटेलिजेंट बनते जाओगे और आप इंटेलिजेंट बन चुके हो। किसके मामले में? उन फालतू चीज़ों के मामले में। पढ़ाई करना एक आदत की तरह है और हमें उस आदत को डेवलप करना होता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उसे नरिश करना होगा अपनी कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो आदतें हैं वो डेवलप होती हैं उन चीज़ों को लेके जो हमारे लिए यूजलेस है, और शायद यही रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं उस इंटेलिजेंस को पा नहीं सकते जो हमेशा से हमें चाहिए। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो और अपनी पढ़ाई में आप मन कैसे लगा सकते हो। सबसे पहला काम है एक टारगेट को सेट करना। जब तक आप एक टारगेट को सेट नहीं करोगे आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, आप ये नहीं कर पाओगे। आपको रीज़न ढूंढना होगा कि आपको इस इंटेलिजेंस को डेवलप क्यों करना है। आपको अपने लाइफ के एक मेजर गोल को सेट करना पड़ेगा और उसी को लेकर आपको फोकस्ड होना पड़ेगा और हमेशा चार्ज्ड अप होना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि इट रिक्वायर्स डिटरमिनेशन टू वर्क हार्ड। इसका मतलब कि टारगेट चूज करने के बाद जब आप उस रास्ते पे चलोगे तो ऐसा कई बार होगा कि आप गिरोगे। उस टाइम पे आपको उठना पड़ेगा, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा और आपको बार बार गिरने के बाद उठ के चलना पड़ेगा और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में जब तक आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हो। इट रिक्वायर्स गाइडेंस, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। जब भी आप किसी डायरेक्शन में चलोगे तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी जो उस डायरेक्शन में आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, और कोई ऐसा पर्सन जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो और जिसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, और वही पर्सन आपको अच्छे से गाइड कर सकता है और आपको अच्छे तरीके से उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। और लास्ट में जजमेंट, इसका मतलब कि आपको अपने आप को जज करना होगा, आपकी परफॉर्मेंस को आपको डेली जज करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन चलते 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 हमें रियलाइज़ होता है कि हम कभी सही डायरेक्शन में थे ही नहीं। तो हमारे लिए जजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।